नमस्कार दोस्तों, क्या आप भारत में रहते हैं और आप अपना नेम चेंज कराना चाहते हैं, आप अपना गजट नोटिफिकेशन निकलवाना चाहते हैं, लेकिन आप ढूंढ रहे हैं गजट ऑफिस। ये गजट ऑफिस है कहाँ पे, जहाँ पे आप जाके अपना नेम चेंज करा सकते हैं या अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स में अपना नेम करेक्शन करवा सकते हैं। तो बिना देरी करे डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि गजट ऑफिस कौन लोग जाते हैं, गजट नोटिफिकेशन किन्हीं निकलवाना पड़ता है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो कि अपना नाम बदलना चाहता है, चाहे वो पूरा नाम बदल रहा है, चाहे वो अपने नाम में एक स्पेलिंग, एक अक्षर, एक करेक्टर बदल रहा है, चाहे अपना सरनेम बदल रहा है, मतलब नेम के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ चेंज करना, उसे बोलते हैं, उसके लिए गजट नोटिफिकेशन ही निकलवाना पड़ता है। या फिर आप अपने नेम में करेक्शन कर रहे हैं, या फिर आप बोल रहे हैं कि मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम गलत लिखा है, मेरे एजुकेशन डॉक्यूमेंट में मेरा नाम गलत लिखा है, मेरे फादर का नाम गलत लिखा है, मेरी मदर का नाम गलत लिखा है, मेरे फादर है, मेरा नाम गलत लिखा है। चाहे आप ये बोलो कि गलत लिखा है और सही नाम ये है, या फिर आप ये बोलो कि मैं बदल के ए से बी करता हूँ, दोनों ही चीज़ों के लिए गजट नोटिफिकेशन निकलवाना पड़ता है। और इसी तरह के व्यक्तियों को गजट ऑफिस जाना होता है और इसी तरह के लोग गजट ऑफिस का एड्रेस ढूंढ रहे होते हैं। तो ये गजट नोटिफिकेशन बनता क्या है, इसकी मैं थोड़ी सी आपको और क्लैरिटी दे देता हूँ। गजट नोटिफिकेशन बनवाने के लिए सबसे पहले आपको एफिडेविट बनवाना होता है, और एफिडेविट में आपको लिखना होता है मेरा नाम ये, मेरे पिता का नाम ये, और मैं यहाँ का रहने वाला हूं, और मैं अपना नाम बदल के, सपोज मेरा नाम विपिन है, मैं अपने नाम विपिन से बदल के राहुल कर रहा हूं और मुझे अब इसी नाम से जाना जाए, ठीक है। इस तरह का एफिडेविट बनाना पड़ता है, न्यूज़पेपर में ऐड देना पड़ता है, वो न्यूज़पेपर में ऐड जो होता है वो एक लोकल और एक नेशनल न्यूज़पेपर देना पड़ता है, उसमें भी ये लिखना पड़ता है कि मेरा नाम ये, मेरे पिता का नाम ये, मैं अपना नाम विपिन से बदल के, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, विपिन से बदल के राहुल करता हूँ और मुझे इसी नाम से जाना जाए, इस तरह का न्यूज़पेपर में ऐड जाता है। डिजिटल सिग्नेचर सीडी बनवानी होती है और उसके अंदर भी ये सेम फॉर्मेट लिखा जाता है, ठीक है। ये तीन काम करने के बाद चार पेज की, चार से पाँच पेज और होते हैं, वो जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है वो लिखने के बाद आपको इसको सबमिट करना होता है सेंट्रल गजट ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस की फीस देनी होती है, और तब जाके आपका गजट नोटिफिकेशन बन जाता है। और जब आपका गजट नोटिफिकेशन बन जाता है तो आपको उस सर्टिफिकेट को लेके जिस भी चीज़ में आपकी गलती है, जैसे आधार में गलती है या फिर आप आधार में अपना पूरा नेम बदलना चाहते हैं, तो आधार ऑफिस जाएंगे और आधार के नोडल ऑफिस से जाएंगे। पासपोर्ट में बदलना चाहते हो तो पासपोर्ट ऑफिस अपॉइंटमेंट लेंगे, अपना वहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में गजट अपलोड करेंगे और उसी की कॉपी लेके देंगे। मतलब जिस भी डिपार्टमेंट में आप नेम चेंज, जिस भी डॉक्यूमेंट में नेम चेंज करना चाहते हो उस डिपार्टमेंट में जाएंगे और अपनी गजट की कॉपी देंगे, अपना नाम चेंज हो जाएगा। तो ये तो मुद्दा था कि गजट को कैसे यूज़ किया जाएगा, गजट को कैसे निकलवाया जाएगा। अब बात करते हैं ये ऑफिस कहाँ पे। देखिए, जो गजट का जो ऑफिस है वो दिल्ली के अंदर है, सेंट्रल गजट का ऑफिस है वो दिल्ली के अंदर विधानसभा मेट्रो स्टेशन से 100 कदम पीछे जाएंगे, आपको मिल जाएगा। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको टैग कर दूंगा, लिख दूंगा, और आप वहां से भी ले सकते हैं, ठीक है। विधानसभा मेट्रो स्टेशन पर उतरिए, 100 कदम पीछे चले जाइए, आपको सेंट्रल गजट ऑफिस आप पहुंच जाएंगे। अब भैया, तो आपको सेंट्रल गजट ऑफिस जाना है या स्टेट गजट ऑफिस जाना है, देखिए इसके लिए आपको मेरी एक वीडियो देखनी पड़ेगी जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आपको सेंट्रल गजट बनवाना चाहिए या स्टेट गजट बनवाना चाहिए। इन शॉर्ट, आप वीडियो देखें और उसका कंक्लूजन निकालें तो वो आपको देख के ही पता चलेगा, लेकिन मैं हिंट दे देता हूँ, आपको सेंट्रल गजट बनवाना चाहिए, मेरा फेवरेट है और उसके मैंने एक्सप्लेन भी किया कि सेंट्रल गजट क्यों बनवाना चाहिए, ठीक है। तो अब कारण, क्योंकि 29 राज्य हैं, सिंपल में बता देता हूँ, 29 राज्य में हर राज्य का अपना गजट ऑफिस नहीं है। भाई जब बहुत सारे स्टेट का गजट ऑफिस है ही नहीं, तो ज़्यादा फेवरेबल कौन सा हुआ, सेंट्रल। ऑरिजिन स्टेट का है भी, उसके लिए भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि, और मैं ये मानता हूँ कि मेरा ये मानना है खुद के मेरे विवेक से कि सेंट्रल गजट नोटिफिकेशन ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा मेरे जो क्लाइंट्स, जिन लोग जो विदेश जाते हैं, वीज़ा लगवाते हैं और जिनकी गवर्नमेंट जॉब्स का काम हुआ है, वो मुझे फीडबैक देते हैं कि सेंट्रल गजट नोटिफिकेशन ज़्यादा फेवरेबल है और ज़्यादा हेल्प करता है और ज़्यादा सही और ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी मैं बोल सकता हूँ, नहीं कॉस्ट इफेक्टिव ना भी बोला जाए तो, लेकिन ज़्यादा पावरफुल उन्हें उन जो फीडबैक है मुझे मिला है वो है। तो इस तरह से आपको मैंने एड्रेस अपने नीचे दे दिया है, वर्बली आपको बता दिया है और आपको फॉर्मेट भी बता दिया है कि किस तरह से तीनों एफिडेविट बनेगा, न्यूज़पेपर में ऐड जाएगा और सीडी बनेगी, ये भी बता दिया। इसके बाद भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन हो सकता है, कोई बोलेगा जी मेरे को डाइवोर्स के बाद नेम चेंज करना है, ठीक है, कोई बोलेगा जी मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई, मेरे को नेम चेंज करना है, और कोई बोलेगा जी मेरे को मेरे बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट नेम चेंज करना है। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, जैसे सभी व्यक्तियों के फेस मैच नहीं करते, उसी तरह सभी लोगों की प्रॉब्लम्स मैच नहीं करती। किसी व्यक्ति के 2 से ज़्यादा नाम हो सकते हैं, वो तीसरा नाम करना चाहते हैं, तो अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो मैं एक वीडियो में उसको नहीं बता सकता हूँ, आपको वीडियो के नीचे कमेंट करके, ठीक है, या मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके या मुझे कॉल करके आपको मुझसे क्वेरीज करनी होगी। कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है, आप मेरी टीम या मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन कर सकते हैं और इसके बारे में हम आपको गाइडेंस देंगे और असिस्ट करेंगे। और किसी वीडियो को बनाने में बहुत
मेहनत लगती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। धन्यवाद। ब्रेक दें। Perfect.